परेशान से दिख रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस स्कूल के बच्चों की बहुत याद आ रही है। एक लंबे समय से लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने के कारण सभी से संबंध टूट सा गया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या ऐसा सभी के साथ हो रहा है? चलो सुनते हैं। मैं अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड हूँ। स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और बताते हैं कि इस सिचुएशन में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट टीचर्स के साथ मिलकर बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें हम सभी अध्यापक अपने अपने विषयों से संबंधित छोटे छोटे कार्य बच्चों को देते। इससे उनका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया और बच्चे उन सभी कार्यों को बड़ी तन्मयता से, बड़े उत्साह से करते और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते। मैं भी अपने बच्चों के साथ जूम ऐप पे ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के माध्यम से कनेक्ट हूँ। मैं यदि देखता हूँ कि आज बच्चों का मन पढ़ने का नहीं है, तो पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी ना मानकर बच्चों के साथ बच्चा बनने और गेम्स खेलकर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे करता हूँ। तभी तो मेरी जूम क्लास के लिए वो लोग 5 मिनट पहले आगे बैठ जाते हैं। जो भी कार्य मैं बच्चों को देती हूँ, वह जांचने के लिए कि वह सही मायने में जा रहा है या नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर एक टाइम फिक्स करती हूँ और वर्चुअल क्लासरूम की तरह ही रैपिड फायर राउंड या क्विज एक्टिविटी करती हूँ। यकीन मानिए, बच्चों में एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिलता है और वह बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा। इससे क्या होता है कि बच्चों पर टेस्ट का बोझ भी नहीं पड़ेगा और खेल खेल में उनकी प्रतिभा का भी पता चल जाएगा। मैं खुद की आवाज में बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अपनी वीडियो शेयर करता हूँ। इससे उनकी समझ और मेरे साथ बच्चों में कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। That's it. मैं बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड कार्य देती हूँ। उन एक्टिविटी द्वारा बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जिसमें बच्चे द्वारा हर बार कुछ नया निकल कर सामने आता है। मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वे निकल कर सामने आ सकें। मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चे मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं और अब वे पढ़ाई को बर्डन नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम मानते हैं। मैं इन सभी बातों के साथ साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके बच्चों के अभिभावकों के साथ पीटीएम करती हूं, जिससे मेरी कनेक्टिविटी सभी बच्चों के साथ और भी स्ट्रांग हो जाती है। मैं बच्चों को वर्कशीट या क्विज गूगल फॉर्म द्वारा देती हूं, जिससे मुझे सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो जाता है और इस तरह उनका पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। और हाँ, इस तरह बच्चे की और मेरी खुद की भी असेसमेंट हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों को पढ़ाना एवं उनकी जिज्ञासा शांत करना काफी प्रसन्नतादायक रहा। साथ में कुछ चैलेंजेज भी आए, जैसे सब बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, कुछ के पास बेसिक फोन है। मेरी क्लास के कुछ बच्चों के मोबाइल नंबर क्लास लिस्ट में सही से रजिस्टर्ड नहीं है या फिर नॉट रीचेबल है, जिसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि घर में सिर्फ एक फोन रहता है, वो भी उनके पिताजी के पास। ऐसे में यदि 2 बच्चे हैं, उन्हें एक ही समय भी क्लास अटेंड करनी है तो एक को वह सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में हम क्या करें? जिन बच्चों के पास बेसिक फोन है, मैं उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछ लेता हूँ, जिससे वो बच्चे मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं बच्चों को फोन कॉल के माध्यम से या बहुत ही छोटे छोटे एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट्स SMS के जरिए भेज देता हूँ, जिससे बच्चे सॉल्व करके मुझे बेसिक फोन के द्वारा ही बता देते हैं। मेरे साथ भी स्टूडेंट्स के सही नंबर ना होने की वजह से समस्या आ गई थी, लेकिन इसका हल मैंने उनके दोस्तों से उनका व्हाट्सएप नंबर या बेसिक नंबर लेकर निकाला। मैं भी अपने बच्चों के साथ जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कनेक्ट हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली में केवल एक ही फोन था, ऐसे बच्चों के माता पिता से मैंने बात की, उनका हालचाल जाना तथा उनके बच्चों से न जुड़ पाने की अपनी व्यथा को मैंने उन्हें बताया। इस बात से बच्चों के माता पिता को बहुत खुशी हुई तथा उन्होंने ऑनलाइन क्लास की इम्पोर्टेंस को भी समझा।
अब वो अपना एक फोन अपने घर पे छोड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मैं भी देख लेता हूँ ऑनलाइन क्लास के टाइम टेबल को लेके। तो देखा जाए तो इस तरह की कोलैबोरेशन के साथ मैं अपने अधिकतम बच्चों के साथ कनेक्ट हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की शेयरिंग से बहुत मोटिवेट हुआ हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब मैं भी अपनी क्लास के बच्चों के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकता हूँ। इस लंबे स्कूल लॉकडाउन के समय बच्चों से वर्चुअल व नॉन वर्चुअल माध्यम से कनेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्हें छोटे छोटे मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कार्य देते रहें जिससे वो प्रोडक्टिव कार्य में व्यस्त रहें। जी हाँ, स्कूल लॉकडाउन का है समय विशाल, आओ करें बच्चों के लिए इसका बेशुमार इस्तेमाल। यह समय ना वापस आएगा, रचनात्मकता और मनन की कुशलता हमें और बच्चों में लाएगा। बच्चों से हालचाल पूछने पर संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी। छोटी छोटी गतिविधियां भेजने से बच्चों में गहन सोच विकसेगी और इस नए पठन तरीके से बच्चों में समग्र विकास विकसित होगी।